हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो डैडी डॉटर लव स्टोरी। डैडी कैरी में नटी लाए हैं। ओके ठीक है, कुछ देखना पड़ेगा, कुछ नया तो देखना पड़ेगा। अभी कौन है टारगेट गेट कैरी भाई पे, तो कुछ ना कुछ तो आके दाढ़ी लाए। आइए देखते हैं। अरे बाबा, नाम ही अजीब है। गाइस, आप भेड़िया का दोगलापन देख रहे हो? गुड़गांव में रहता ना तू? आजा 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 आजा। अरे कितना चाटोगे, चलो खरगोश को मारने चलना। भाई देख लो, रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब आप कोई ना अपनी सेना बुला लेंगे। भाई सेना नहीं आएगी, आपने उनका भी एड्रेस लीक कर दिया। अब आप कौन चूतिया मेरे अकाउंट का एडमिन है? आप ही हो भाई। यार तुम्हें कितनी बार बोला मुझे नशा करने से रोक लिया था। मैंने रोकने की कोशिश करी थी, आपने मेरे एड्रेस लीक करने की धमकी दे दी। अरे छोड़ो, गाड़िया निकालो, चलो। गाड़िया? भाई आप तो अकेले जाने वाले थे। चलना नहीं चलना, चलना नहीं चलना। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। तो चलो कूटे उसे। भेड़िया भाई के सामने को थक, तेरी बैंड की साढ़े ज्यादा ट्वीट करेगा। ट्वीट करेगा। अरे भाई रुको 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 रुको, एंगेजमेंट बढ़ गई, एंगेजमेंट बढ़ गई। गाइस थैंक यू फॉर 1 मिलियन फॉलोवर। मैं और भेड़िया भाई बचपन से दोस्त हैं। तुम लोग चूतिया भाई, चारा ऑन टॉप। मैं चला फ्री फायर खेलने। तो कैसे हैं आप लोग? प्रॉब्लम एक औरत है जो की पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। लड़की औरत ही तो बनेगी, गंडवी थोड़ी हो जाएगी। ये कौन गुलजार का चौथा स्क्रीन पे लिख रहा है? सोचो तुम रात को टीवी देख रहे हो और एक नंबर वॉल्यूम ऊपर कर देते हो, लेकिन फिर तुम्हारा बाप आ जाता है। आवाज बंद कर। खैर आज हम एक ऐसा शो देखने वाले हैं जिसके होस्ट ने अपना 40 साल का नाबालिग जीवन गाड़ी में गुजारा। हिंदुस्तानी भाव। और भाव ये शो नहीं चला रहे, दुनिया को चुतिया बना रहे, क्योंकि लोगों की दिक्कत है। सुन लो, मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ सेक्स करते देखा। तो इसमें भाव क्या करेंगे? बाप बेटी के बीच में लेट जाए या बाप को बोल दे लौड़े यहाँ से निकल? तो आओ यार देखते हैं भाव का नाजायज इंसाफ और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक तो आज मेरे पहली सर में दर्द हो रहा है, मैं गोली खा रहा हूँ। नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। अरे बहन चो क्या, अरे हमें क्यों डरा रही हो? और पति चूतिया क्या, उस पे भरोसा नहीं है? तो बहुत गुस्सा हो रहा होगा। नायक ही वो आदमी है जिसकी वजह से हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। तो तू बैठ के हिला रहा है क्या? और नायक को तो कति प्लेयर बना दिया। कौन है नायक? अबे खुदा दा, लग रहा बच्चा पूरा कहां से कर देगा। और बीमार और लग रहा है, बच्चा होना हो एड्स जरूर दे देगा। और उसकी दाढ़ी देख लो, 4 किलोमीटर दूर से भी नकली लग रही है। खैर छोड़ो, भाव को इससे बात करने देते हैं। भाव बा खैर कह भी मैं किससे रहा हूँ, आजकल बात कौन करता है, कूटने में ही ज्यादा मजा आ रहा है। और तुम लोग को और एक जादू देखने गए? अरे खुलासा, ये तो हमें पता ही नहीं था। सेट पे जो चाय बेचता उसे दाढ़ी लगा के बैठा दिया। क्यों? ताकि भाव अपना हाथ गर्म कर सके। हम लोग गिने चुने लोगों को ना जो सच में जेनुइन है उनको यहाँ पे बुलाते हैं। भाव को पता ही नहीं है शो स्क्रिप्टेड है, शो वाले मजे ले रहे हैं। भाव भावनाओं में इतना बह जाते हैं, एक्टर्स की लाइन ही खा जाते हैं। भाव आप मुझे गलत चुप रहे देख, हंस रही है, हंस रही है, बोलनी तो दो। अब क्या बोलेगी, कैरेक्टर तो टूट गया, पूरा शो स्क्रिप्टेड है, बस भाव स्क्रिप्टेड नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा, और मुझे 100 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। भाव थोड़ी दिलवा देंगे। आपने मेरा बच्चा नहीं दिलवाया ना, तो मैं ये जहर खा लूंगी। छोड़, अबे नौटंकी देख लो, 50 रुपए ओवर एक्टिंग के तब काटते जब उतने मिले होते, इससे ज्यादा महंगे तो कोठे वाली के रेट है। लव लेटर में आपको दिखाना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस लेटर को पढ़े। अरे भाव से लेटर क्यों पढ़वा रहे हो? भाव ने इंग्लिश का पेपर भी हिंदी में दिया था। इट्स ओके, या नीचे हिंदी में लिख देता हूँ ताकि भाव को भी समझ आए। मेरे पापा ने ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है सर। तो तू डाकिया बनके क्यों घूम रहा है? भाव गांड फाड़ देते, तेरे से चिट्ठी नहीं फाड़ी गई। आओ इस चूजे की गर्लफ्रेंड से मिल लेते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि बॉलीवुड में मेरा भी आपकी तरह नाम हो। भाव का अपने क्या नाम नहीं है, बॉलीवुड में कब से आ गया? ये क्या औरत है, कैटवॉक सीख ली लेकिन दिमाग से तो लंगड़ी रह गई। मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं। योर फादर कीप्स मी सैटिस्फाइंग बैड। अब आज शिक्षा केंद्र की छठी फेल औरत पहले बोलना सीख ले, सैटिस्फाइंग बैड। यहाँ डैडी इश्यूज नहीं है, डैडी ही इशू है। भाव मैं जवान हूँ और अपने बेटे से ज्यादा जवान हूँ। अनिल कपूर के 14 चूचे निकल रहे हैं और दाढ़ी के साथ जाट भी सफेद हो रखी है। जवान बच्चा उठक बैठक निकल के बता। निकल गई जवानी, घुटनों से पहले गांड ने जवाब दे दिया। ऐसे शुगर डैडी का क्या फायदा जिसे खुद शुगर हो? शादी करेगा इसके साथ? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, ये चूतिया है। और कौन है ये दूसरी लड़की? मम्मी आप क्या? मम्मी आप? और ये कैसी रिश्तों में चोदने की आदत है, तो स्नेक वाली गेम खेल रहा है, एक दिन खुद ही को चोद देगा। और इससे पहले ये लड़की कह रही थी हर लड़की चाहती है आपके फादर के साथ सोना। कट्टू मम्मी आप लिटरली मां चौधरी भैया जी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड नेहा के 2 को बॉयफ्रेंड। तो तू क्या कर रहा है, वो जब थ्रीसम करते होंगे तू बैठ के एक्सेल शीट बनाता है क्या? इसमें तो बहुत इंटरेस्ट आ गया। नहीं ये कैसे चलता है सिस्टम? महीने में 13 दिन मुझे डेट करती है, 13 दिन ऋषि को डेट करती है। तो ओड वाले जितने दिन है वो मेरे है और इवन वाले ऋषि के। आज क्या दिन है?
इवेंट डे है। तो तू यहाँ क्या कर रहा, देखने आया क्या? दूसरे लौंडे से दिक्कत नहीं होती? बॉयफ्रेंड इन लॉ होने के बावजूद भी हम बेस्ट बडीज बन गए। सन इन लॉ सुना, फादर इन लॉ सुना, बॉयफ्रेंड इन लॉ क्या होता है? मुझे लगा एक दूसरे से दुश्मनी होगी, इन चूतियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। इन्हें लग रहा सही है, दबाने को मिल रहा है। अबे साले तुम खुद दब रहे हो। लेकिन अभी रुको, जरा सब्र करो। ये तो सुनो भाव, लड़की के बारे में क्या कहते हैं? वो उसके जगह पे सही है, उसका तरीका अलग हो सकता है मगर उसकी नीयत नहीं। भाव सिंपल बनना था, सिंप नहीं। भाव लड़कियों को अलग ही फ्लेवर, सॉरी फेवर देते, फेवर फेवर। वो माँ नहीं बन सकती भाव। ये शब्द यूज किया ना, उसकी आधी गोलियां तेरे भी गांड में डाल दूंगा। कितने अच्छे हैं भाव, लेकिन जब लौंडों पे बात आती है। मेरे पति कभी भी पिता नहीं बन सकते। नेटवर्क में प्रॉब्लम तेरे, वो तो बेचारी वाईफाई ढूंढेगी ना। बाकी गोलियां तुम्हारी गांड में डाल दे। जो शर्म गरम करके ले को। ज्यादा गरम होने की जरूरत नहीं। कितने अच्छे हैं भाव, किसी पे हाथ उठने नहीं देते। मेरे तरफ से भी दो। लौंडों का तो कुत्ता ही बना रखा है, लेकिन भाऊ की जब अपने पे बात आती है ना, लौड़ी है लौड़ी। लेकिन नहीं नहीं, कितने अच्छे हैं भाऊ, अच्छाई की परछाई में उड़ते पंछी है भाऊ। अब सोचो प्रिंसिपल ने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया, लेकिन प्रिंसिपल भाऊ है। तेरे को बैठने को बोला, उठ खड़े रहो। अरे भाऊ अभी तो बस आया ही है, क्यों फट रहे हो? बैठ बैठ तू, अभी बैठ, लौड़े खड़ा रहे। अरे लेकिन फिर बुलाया क्यों यहाँ पे? तेरी गांड मारने के लिए बुलाया हूँ मैं। तो गांड मारना क्या होता है? बेटा उसका डायग्राम नहीं होता, उसका तो प्रैक्टिकली होता है। आओ कैबिन में। इसने मुझसे कहा था ये माधवी को पटाना चाहता है, ताकि माधवी इसे सारे रैंक्स में नंबर वन पहुंचा। अबे ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट अपने टीचर के साथ चीट कर रहा है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के बाप के साथ चीट कर रही है, और स्टेप फादर अपनी बेटी के साथ चीट कर रही है। एक मिनट, कहां देखी है ये कहानियां? मैंने गेस कर लिया, रिस्पेक्ट। बादशाही मुठ्ठल हो तुम, और पॉर्नहब की तरह भाऊ का एंड तक एपिसोड देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि कोई कंक्लूजन ही नहीं है। लेकिन भाऊ को सब थैंक यू जरूर बोल के जाते हैं। थैंक यू भाऊ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट भाऊ। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में काम देने के लिए, इसीलिए आपका थैंक यू, दिल से थैंक यू भाऊ। अबे इससे बढ़िया तो राखी का इंसाफ है। आपने मुझे, अरे चिल्लाओ क्यों नहीं, तू चिल्ला मत, झूठ मत, जो इंसान भाई इतनी गालियां मुझे बीप करना पड़ रहा है, बस हो गया खत्म गायब। अब अगर तुम भी अपनी प्रॉब्लम लेके भाऊ के पास जाना चाहते हो तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। अरे कर दे भाई यार, कर दे प्लीज, कर दे यार, वरना तेरी गांड मारा थाईलैंड जाके। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ कॉन्ट्रोवर्सी करो या भाईचारा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी पहली फुर्सत में निकलने जा रहा हूँ, बाय। अरे तूने देखा अंबानी की शादी में क्या हुआ? So he said, ऐसे मजाब दे। और आपको ऐसे। अलारा, और अब छोड़ो बेटा, मैं मर जाऊँ। भाई क्या वीडियो बनाया रे? मतलब मेरा हंसू की लाइन पे ध्यान दो अगली। वो सीता का। एक्चुअली कैरी का ना इतना बैक टू बैक वो आ रहा था। अरे सोच मतलब होता ना। शुरुआत में मस्त बताए तो लाइक भाईचारा वाला ट्विटर पे जो वॉर देख पर भाईचारा लगे, हमको पता है किसका रेफरेंस था वो ऑफकोर्स, पर बाद में जो है ये शो है, मेरे को नहीं पता यार ये तो शो क्या है, ये शो क्या क्या भारी कंटेंट है इसमें, क्या पता यार, मतलब नॉट बेसिकली नॉट इन अमेरिका लेकिन वर्बली अतरंगी करके ऐप भी उस पे आता है, ओ तुरु तो डेंजर है भाई, लेकिन एक से भाई कैरेक्टर से मतलब कौन सा अभी इसे मोस्ट प्रोबेबली 10-15 एपिसोड देख के मतलब बोलते ना लाइक आया क्यों मेरे को वो चीज अच्छी, मेरा डैड मेरी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखता है। अरे आजकल के जमाने में लेटर कौन लिखता है, व्हाट्सएप का जमाना है, और वो पोस्टर बन के घूम रहा है। हाँ ना क्या होता है, अरे डायग्राम तोड़ी है जो बाहर निकल के देखना पड़ेगा दुनिया में क्या होता है, क्या ये तो है वो राखी का भी शो है, मैंने वो भी नहीं देखा था, मेरे को वो भी नहीं पता था, वो मैंने देखा नहीं बट सुना था, बहुत पहले था। अच्छा मैंने नहीं, like, no idea, मैंने भी नहीं देखा था।
बट मजा आ गया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, उधर जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन, बाय बाय।